नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट में। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें। सभी स्टूडेंटों के मन में यही बात लगी हुई है कि जो वर्ग तीन की डेट है कब तक दे सकते हैं, साथ में जेल प्रहरी, दो ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है इस बार 2020 में अभी होने वाले हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट के मन में यही लगा हुआ कि वर्ग तीन कब होगा और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम कब होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, फिर अपनी कोई उस पर राय दें और जानकारी आपको पूरी सही मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, ये एक पेपर की न्यूज़ जो है इसमें लिखा हुआ है कि अक्टूबर में नहीं होगी PV की परीक्षाएँ। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो कोरोना जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी वजह इसमें लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमण की वजह से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो चार परीक्षाएं हैं, चार कौन सी? JEE वाली, PPT, PAT, PNET, वे ये जो चार परीक्षाएं, इसमें 10 लोग शामिल होने थे जो केवल इंट्रेंस एग्जामिनेशन था, भर्ती परीक्षा नहीं, इनको होना था। इस कारण से ये नहीं हो पा रही, और ये नहीं हो पा रही है तो इस कारण से कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है और स्टूडेंटों का जो है लॉस होने वाला है, क्योंकि सत्र नहीं होगा तो उनका एक साल ईयर जीरो ईयर चला जाएगा। और रही बात वर्ग तीन की और जेल प्रहरी की, तो इनके बाद ही जो है एग्ज़ाम होगा। पहले सरकार की जो मंशा है पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने की है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो कॉलेज में एडमिशन होने लगेंगे और साथ ही साथ सत्र चालू हो जाएगा, क्योंकि 10 माह का सत्र होता है, लगभग 4 महीने अभी निकल ही गए हैं इसके, तो 6 महीने में लगभग कराने का इनका टारगेट रहेगा, तो काफ़ी प्रेशर रहेगा। अब बात करते हैं, और जो वर्ग तीन का एग्ज़ाम है, अभी पहले सेंटर लगभग 15 लगभग सेंटर रहते थे, लेकिन अब सरकार ये है कि जितने भी जिस स्टूडेंट के पास में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सेंटर हो, तो 53 सेंटर लाने की है। यहाँ आपको दिखाएंगे हम नीचे, ये देखिए जो लाया है, ये टेंडर निकला हुआ है बाबा की तरफ से, आपने पहले देखा होगा। इसकी जो लास्ट डेट है 29 सितंबर है, जो पूरा मैनेजमेंट इंडअप होगा, टेंडर निकालने की ये डेट थी और ख़त्म होने की ये डेट थी। इसके बाद जो सरकार है, ये सितंबर का माह तो अपना निकला, टेंडर में निकल गया, इसके बाद क्या होगा? ये प्रोसेस टेंडर पूरा कंप्लीट होने में 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे। 1 से 1.5 महीने क्यों लग जाएंगे? क्योंकि टेंडर निकलेगा, उसके बाद पूरे स्टूडेंट का डाटा देखेंगे, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट हैं, और पूरे 53 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाना है, तो ये अपने आप में एक इनके लिए चुनौती हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा सेंटर बना नहीं है। तो इस सेंटर बनाएंगे, पूरा मैनेजमेंट होगा एडमिट कार्ड से लेके, और प्रश्न पत्र भी इनको तैयार करना पड़ेगा, तो पूरा सेटअप बनाएंगे, तो 1 महीने से ज़्यादा से वक्त लग जाएगा। तो सितंबर तो गया, इसके बाद गया अक्टूबर, अक्टूबर निकला आपका, इसके बाद होंगे आपके आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले नहीं होंगे, पहले जो कराएंगे वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा पहले, सॉरी, और उसके बाद जो है आपका भर्ती परीक्षा होगी, रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम। तो इसमें रिक्वायरमेंट में आपके वर्ग तीन हैं और जेल प्रहरी है। अब जैसा आप सभी को मालूम है, जेल प्रहरी 3 से 10 नवंबर के बीच जो होने वाला है, तो अक्टूबर के जस्ट ही नवंबर का महीना लगेगा, तो फिर ये जेल प्रहरी का एग्ज़ाम कराएंगे, क्योंकि यदि वर्ग तीन का एग्ज़ाम होता है तो उसमें लगभग ये मान के चलिए 20 दिन का समय लगेगा, तो 20 दिन एग्ज़ाम लगभग चलेगा। तो ऐसे में क्या है, वर्ग तीन और आगे पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी तो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। वैसे ही इसमें सरकार ने वैकेंसी नहीं बताई, तो हमारी मांग यही होनी चाहिए हम स्टूडेंट सबकी, जितने भी हैं आप लोग, कि इसमें जो है पोस्ट बताएं, क्योंकि पोस्ट नहीं बताई इन्होंने, कि ये केवल आपकी एक प्रकार से पात्रता परीक्षा कर रहे हैं, ना कि भर्ती परीक्षा, है ना, कि आपको एक इसके स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, और डायरेक्ट ऐसी नहीं कि भर्ती होगी। भर्ती कितने पद पे होना है? 2 पद पे होना है, 200 पे होना है या 2000 पे होना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। वैसे भी आप सभी को मालूम होगा स्कूल जो है मर्ज हो रहे हैं, है ना, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का मर्जेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में पोस्ट वैसे ही कम होती जा रही हैं। और दूसरी कारण क्या है, इसमें अतिशेष जो शिक्षक हैं वो भी काफ़ी पड़े हुए हैं पहले से, तो उनको भी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसके कारण यहाँ पोस्ट कम बचती हैं, तो ये सब जो है रहेगा। और इसमें कोई न्यूज़ जो है यहाँ दिखाया था, 11 जो है प्रवेश भर्ती परीक्षा होनी थी, और ये प्री पॉलिटेक्निक वाली जो भी थी।
अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिएगा आप लोग कि पीवी जो है प्रवेश परीक्षा नवंबर में कराने की तैयारी कर रहा है, मतलब प्रवेश परीक्षा ही वो नवंबर में लेगा। तो उसके बाद जो है आपका जेल प्रहरी का एग्जाम है, वर्ग तीन का एग्जाम है, और भी एग्जाम कैलेंडर में है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो अभी वो केवल नोटिफिकेशन ही जारी कर सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव है। तो उपचुनाव में पुलिस की काफ़ी मांग चल रही है, पटवारी भर्ती की भी काफ़ी मांग चल रही है। उसके अलावा दो तीन एग्जाम और जो हैं उसमें डले हुए हैं, ग्रुप फाइव का डला हुआ है और एक कौशल विकास आईटीआई संचालन का डला हुआ है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन विल बी डिक्लेयर सून अभी लिखा आ रहा है। तो ये टेंडर जारी हुआ है, इसमें भी समय लगेगा। तो लगभग ये मान के चलिए आपका, यदि कोरोना ठीक ठाक रहता है, कंट्रोल में रहता है, तो आपके दिसंबर या फिर 2021 की जनवरी तक वर्ग तीन या फिर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होंगे ही, हो सकते हैं, क्योंकि यदि कोरोना के ऊपर ही सब डिपेंड करता है। क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहना भी क्या है, कैसे कराएंगे क्या नहीं कराएंगे। लेकिन सरकार ने नीट और जेईई तो करा दी, आपकी बस भी लगा दी। अभी भर्ती परीक्षा जो है 2018 की, उसी को अभी टांग के रखे हुए हैं भाई। इन्होंने नीट जेईई के लिए 2018 में जो भर्ती परीक्षा हुई, अभी 2020 आ गया, 2 साल लग गए और बीच भी खत्म हो गया, तो 3 साल मान के चलिए। 21 तक तो इनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी लगभग लगभग। तो ज़बरदस्ती ये भर्ती को टांग के रखे हुए हैं। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, वीडियो पसंद आई है तो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों यही बताना न्यूज़ थी आज के लिए। तो परेशान ना हो, एग्ज़ाम होगा, तैयारी करते रहें बस। एग्ज़ाम तो ऐसा है कि क्योंकि हर चीज़ डिले हो रही है ना, कि ऐसा नहीं कि वर्ग तीन का एग्ज़ाम है, और भी जितने भी नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं, है ना, स्टेट लेवल पर, सारे एग्ज़ाम जो है डिले हो रहे हैं, हर चीज़ डिले हो रही है, क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी चीज़ हर जगह डिले हो रही है। तो ऐसा नहीं कि आप ही का एग्ज़ाम केवल हो रहा है, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। आप कंटिन्यू अपनी स्टडी जारी रखें, एग्ज़ाम होगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यदि आप इसी में रहेंगे तो फिर आपकी उसके ऊपर आपके फ़र्क पड़ेगा।